आप जिन महंगी से महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इन गाड़ियों में बनी सीट पर जो आर्टिफिशियल लेदर लगा है वो मयूर यूनिकॉर्न्स में बना हुआ है। किसी जमाने में कोलकाता में लेदर बेचने वाला एक छोटा सा व्यापारी आज इतने बड़े इंडस्ट्री का मालिक बन चुका है। लेकिन कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसे लोग लेदर किंग एसके पोदार के नाम से जानते हैं। प्रगति के पथ पर आज कहानी मयूर यूनिकॉर्न्स की। चोमू में जयपुर सीकर हाईवे पर स्थित ये है मयूर यूनिकॉर्न्स प्राइवेट लिमिटेड और ये है मयूर यूनिकॉर्न्स के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश पोदार, जिनकी मेहनत और लगन ने आज इस कंपनी को ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देश दुनिया में एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। देश में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसका मयूर यूनिकॉर्न्स के उत्पाद से वास्ता नहीं हुआ होगा। यकीन ना आए तो जरा आप इस पर गौर फरमाइए। आप जिन महंगी से महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, इन गाड़ियों में बनी सीट पर जो आर्टिफिशियल लेदर लगा है वह मयूर यूनिकॉर्न्स में बना हुआ है। इतना ही नहीं, कई ब्रांडेड कंपनियों के शूज में मयूर यूनिकॉर्न्स के आर्टिफिशियल लेदर का इस्तेमाल होता है। सीकर के फतेहपुर शेखावटी के रहने वाले सुरेश पोदार कोलकाता में रैगजीन और लेदर का काम करते थे। वहीं से काम करते करते वर्ष 1992 से 93 के बीच में वह राजस्थान आ गए और चोमू के जैतपुरा में मयूर यूनिकॉर्न्स की स्थापना की। इस फैक्ट्री में आर्टिफिशियल लेदर बनाया जाता है और यह आर्टिफिशियल लेदर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। उच्च क्वालिटी के इस आर्टिफिशियल लेदर की विदेशों में खासी डिमांड है। ये मयूर यूनिकॉर्न्स लिमिटेड मैंने 1993 में शुरू किया था। मैंने देखा कि वहाँ के प्रोडक्ट में यहाँ के प्रोडक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो मैंने उन प्रोडक्टों को यहाँ ला के बनाने की चेष्टा की लेकिन वो नहीं बन पाए। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश पोदार कहते हैं कि मयूर यूनिकॉर्न्स कंपनी में बना हुआ आर्टिफिशियल लेदर चाहे मर्सिडीज हो या फिर बीएमडब्ल्यू कार या फिर मारुति कंपनी, सभी कार बनाने वाली कंपनियां मयूर का आर्टिफिशियल लेदर पसंद करती हैं। मयूर यूनिकॉर्न्स ने अपना आर्टिफिशियल लेदर हर घर तक पहुंचाने के लिए एक प्लान तैयार किया है। इसके देश में 1,000 रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का लक्ष्य लिया है। अब तक 250 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए जा चुके हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए हर घर तक मयूर में बना आर्टिफिशियल लेदर हर घर तक आसानी से पहुंच पाएगा। शुरू में तो हम मैक्सिमम समझिए 80% फुटवेयर इंडस्ट्री में ही माल बेचते थे, फिर धीरे धीरे मारुति आई तो मारुति से भी हमने काम शुरू किया, फिर इन लास्ट 15-20 ईयर्स काफी कंपनियां आ गई लेदर क्लॉथ में एंड यूज कंपटीशन होने लग गया। सामाजिक सरोकार निभाने में भी मयूर यूनिकॉर्न्स पीछे नहीं है। अपने सीएसआर फंड का आधे से ज्यादा पैसा पर्यावरण और शिक्षा के लिए खर्च करती है। सुरेश पोदार ने कई स्कूलों को भी गोद ले रखा है। इन स्कूलों में विकास कार्य भी मयूर यूनिकॉर्न्स ही करवाती है। ढोडसर गांव में भी मयूर यूनिकॉर्न्स ने सामाजिक सरोकार निभाकर हजारों की संख्या में पेड़ लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने का काम किया है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में जहां लोग आपदा में अवसर तलाश रहे थे तब मयूर यूनिकॉर्न्स के CMD सुरेश पोदार ने अस्पतालों में संसाधन भी उपलब्ध करवाए। मयूर यूनिकॉर्न्स बेसिकली आर्टिफिशियल लेदर में डील करती है और हमारे प्रोडक्ट अगर इंडिया में माना जाए तो नंबर 1 क्वालिटी है। ये प्रोडक्ट बेसिकली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। उसके अलावा हमारा जो मयूर यूनिकॉर्न्स का मैक्सिमम फोकस एम्प्लॉई और सोसाइटी की तरफ है, तो हमारे सारे प्रोडक्ट टोटली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। वर्ष 2013 में ढोडसर में भी एक नया प्लांट स्थापित किया गया। इस तर्ज पर वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में PU प्लांट स्थापित किया गया। इन प्लांटों में अत्याधुनिक तकनीकी के आधार पर
आर्टिफिशियल लेदर तैयार होकर विदेशों में सप्लाई होता है। यहाँ पर 300-350 के करीब है वर्कर्स और स्टाफ से मयूर जैतपुरा कंपनी में। PAPSI की सुविधाएं हैं, पूरी सुविधाएं हैं हमें, ड्रेस की सुविधाएं हैं हमें, हमें जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, शूज वगैरह सब दिए जाते हैं और खाने की हमारी कैंटीन सुविधा है। इस कंपनी में जब से ज्वाइन किया है आज तक, ये कंपनी जो मेरा अनुभव है वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़बरदस्त रूप से कार्य कर रही है। और सस्टेनेबिलिटी हमारा मेन मोटो है, जिसमें हम चाहे पर्यावरण को संरक्षण को लेकर कार्य करना हो, चाहे कंपनी के माध्यम से जो भी हम कार्य करते हैं, वो सारे कार्य हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर होते हैं। मयूर यूनिकोटर्स ने विदेशों में आर्टिफिशियल लेदर कंपनियों तक पहुंचाने के लिए कई देशों में अपने ऑफिस भी खोल रखे हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका, अमेरिका, पुर्तगाल और जर्मनी में कंपनी के प्रतिनिधि बैठकर कामकाज को देखते हैं। भारत के अलावा मयूर यूनिकोटर्स में बना आर्टिफिशियल लेदर मलेशिया, रशिया, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, UAE, कुवैत, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, डेनमार्क, थाईलैंड, इटली, जर्मनी की फुटवियर और ऑटोमोबाइल कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। आज मयूर यूनिकोटर्स का नाम देश और दुनिया में स्थापित हो गया है। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, चुमू। इंसानों का बेजुबान पशुओं के प्रति स्नेह के ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।